बेसन 125 ग्राम, अनारदाना एक खाने का चम्मच, हल्दी आधा खाने का चम्मच, एक अदद आलू बारीक कटा हुआ, एक अदद प्याज बारीक कटी हुई, दो अदद हरी मिर्च बारीक कटी हुई, खाने का सोडा एक चुटकी, कुटी हुई लाल मिर्च एक खाने का चम्मच, कुटा हुआ जीरा और धनिया एक खाने का चम्मच, नमक हसबे जायका। एक बाउल में सारी अज्जा शामिल कर लें। और ठंडे पानी के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब एक फ्राई पैन में तेल गरम करें और धीमी आंच में पकौड़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक तल लें। गर्मा गर्म पकौड़े तैयार। शंग्रीला गार्लिक चिली सॉस के साथ बनाएं अपनी इफ्तार को और मज़ेदार।